आजकल बच्चों की पहली पसंद हो गई है मोमोज। जहाँ देखो बच्चों को मोमोज पसंद आते हैं, मार्केट में भी ठेलों पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम उनको खाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो अनहेल्दी होते हैं। उनमें मैदा का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मसाले यूज़ किए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों आइए बनाते हैं घर में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मोमोज। साथ ही बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटनी जो कि बनाने में बहुत ही आसान होगी, और इस चटनी को आप और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ होगी। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, और बहुत ही हेल्दी खूब सारी वेजिटेबल्स से भरे हुए ये मोमोज हम बनाते हैं कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक कप या एक कटोरी आप किसी भी मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हो आटा ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा का यूज़ भी कर सकते हो। आटे में आधी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ में एक से दो चम्मच ऑयल डाल देंगे। हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें दो चम्मच दही ऐड कर देते हैं। दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब एक से दो चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि जो डो है बहुत देर तक सॉफ्ट रहे। ढककर एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में एक छोटा चम्मच ऑयल ले लेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई दो चम्मच लहसुन। साथ में डालेंगे एक चम्मच अदरक जिसको कि हल्का सा ग्रेटेड किया हुआ है। आप अदरक को चॉप भी कर सकते हो और इनको थोड़ा सा हम चला लेते हैं ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से। एक मिनट प्याज को भूनने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ में डालेंगे ग्रेटेड किया हुआ गाजर। तो सब्जी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में डालेंगे एकदम बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी या फिर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप तेज़ रखिएगा ताकि इन सभी सब्जियों का थोड़ा पानी सूख जाए, और 2 से 3 मिनट इसी तरह से चलाते हुए इनको कुक करना है। थोड़ा जब कुक हो जाए तो लास्ट में डालेंगे थोड़े से हरे प्याज और सभी सब्जियों के साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इनको हमको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इतना कि बस ये 70% कुक हो जाए। और आप देख सकते हो गैस का फ्लेम मैंने तेज ही रखा था और काफ़ी रिड्यूस हो गई है सब्जियाँ, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और नमक को हम सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर। अच्छा, जो स्टफिंग रहती है मोमोज की वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसमें आप रेड चिली वगैरह ना डालें, और मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ भी नहीं किया है क्योंकि जो चटनी होती है मोमोज की वो बहुत तीखी होती है। तो अगर आप चाहें बहुत तीखा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे एक हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। तो सब्जियाँ हमारी ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं क्योंकि हमको इनको स्टीम भी करना है बाद में। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच सोया सॉस। तो बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका जो खट्टापन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और कलर भी डार्क हो जाएगा। और सभी चीज़ों का टेस्ट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं एक चम्मच टोमेटो सॉस भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रेड चिली और ग्रीन चिली सॉसेस ऐड नहीं किए हैं क्योंकि फिर उसके बाद बहुत तीखी हो जाती है जो स्टफिंग है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा ऐड कर सकते हो। चलिए स्टफिंग तो हमारी रेडी हो गई है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं दोस्तों क्योंकि हम तो देसी लोग हैं, इंडियंस की सब्ज़ियाँ बिना धनिया के पूरी नहीं होती, तो थोड़ा सा धनिया हम डाल देते हैं। चलिए इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं एक तरफ, तब तक हम चटनी बना लेते हैं चटपटी सी। तो आज जो चटनी हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट बनने वाली चटनी है दोस्तों। तो एक ग्राइंडिंग जार में 2 बड़े टमाटरों को गट्टू में काट लिया है और डालेंगे 4-5 सूखी लाल मिर्च जिसको कि 1 से 2 घंटे गला दिया, 2-3 लहसुन की कलियां डाल दी है और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, और साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इनको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। उसके साथ साथ मैं धनिया भी ऐड कर रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे धनिया वाली चटनी। और ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है। तो यहाँ पर हमने एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं दोस्तों, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि चटनी का कलर एकदम बढ़िया लाल आएगा, जैसे कि मार्केट में होती है ना, लेकिन मार्केट में वो डालते हैं रेड कलर जो कि हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। और धनिये के कारण जो हमारी चटनी का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है वो यहाँ पे एकदम बढ़िया हो जाएगा, और आप देख सकते हो चटनी कितनी मज़ेदार और लाल बनकर तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार चटनी है दोस्तों, बहुत ही मल्टीपर्पज़ है, आप इसको सैंडविच पे यूज़ कर सकते हो, पिज़्ज़ा पे यूज़ कर सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई, इसको एक तरफ बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
आटे ने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है, उसको एक बार चिकना कर लीजिए और एक छोटी सी इस तरह से लोई निकाल लीजिए उसमें से। उसके बाद थोड़ा सा इसको आटे में हल्का सा लपेट लीजिए और इसकी एक छोटी सी पुड़ी सी बना लीजिए। अब जो स्टफिंग हमने अच्छे से ठंडी करी हुई है उसको इस तरह से बीच में रख लीजिए और जिस तरह से साड़ी की पटली करते हैं ना, बस उस तरह से इस तरह से पटली करते जाइए। आप देखिए किस तरह से इसको मैं धीरे धीरे पटली करती जा रही हूँ, देख सकते हो। और बस इसी तरह से इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे तो हम स्टीम मोमो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हो तो आपकी जो पूड़ी की साइड्स है इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का हाथ फेर लीजिए और उसके बाद इसको स्टेप्स बनाकर पैक कर लीजिए। इससे कढ़ाई में इनके खुलने के चांसेस नहीं रहेंगे और ये इस तरह से बहुत अच्छे से पैक हो जाएंगे। अब मोमोज स्टीम करने के लिए इस तरह की एक जाली ले लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिए ताकि मोमोज उसमें चिपके ना, और सारे मोमोज इसमें सेट कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरी रखिएगा। अब किसी भी कढ़ाई या पैन में पानी गर्म कर लीजिए और इस जाली को मैं इसमें रख रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हो और इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए आप ढक कर स्टीम होने दीजिए और 15 मिनट के बाद देखिए मोमोज काफ़ी फूल भी गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं। गर्मा गर्म खाने के लिए एकदम तैयार हैं और बहुत ही गर्म है, हाथ नहीं लगा सकते अभी। चलिए गर्म गर्म मोमोज को सर्व कर लेते हैं। काफ़ी टेम्पटिंग दिखे इसके लिए थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये होममेड मोमोज की रेसिपी? बहुत ही आसान है ना बनाना, बहुत ही मज़ेदार भी लगते हैं दोस्तों, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।